तो ये देखिए हमारा खास्तेदार मसूर दाल मोठ बन के तैयार है फ्रेंड्स। आप भी इस रेसिपी को अपने घर पे बना के एंजॉय करें। हेलो फ्रेंड्स, मैं राजीव और राजीव के चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे मसूर दाल मोठ, तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। मसूर दाल मोठ बनाने के लिए फ्रेंड्स हमने 250 ग्राम मसूर लिया है, उसे 6 से 7 घंटे पानी में भिगो दिया है, तो इस प्रकार से ये फूल गया है। तो अब हम एक कढ़ाई लेंगे, उसमें तेल डालेंगे फ्रेंड्स। तेल हमने लगभग 200 ग्राम के आसपास डाला है इसमें, और इसे तेल को गर्म करेंगे। उसके बाद फिर मसूर को डालेंगे। हम 250 ग्राम मसूर को 3 से 4 बार में इसे फ्राई करेंगे, और इसे मीडियम टू लो फ्लेम पे फ्राई करना है। और मसूर को तेल में डालते समय फ्रेंड्स, डालने के बाद थोड़ा उड़ता भी है ये, तो थोड़ा सा सेफ्टी से आप इस रेसिपी को बनाएं। थोड़ा बहुत एक एक दाना करके कभी कभी उड़ता है, तो उस हिसाब से आपके ऊपर तेल का छिटा ना पड़े, तो सेफ्टी से आप इसे फ्राई करें। तो बिल्कुल लो टू मीडियम फ्लेम पे पकाएंगे फ्रेंड्स इसे, और इसे थोड़ा हिलाते रहेंगे तेल में। तो ये देखिए हमारा फ्राई हो चुका है मसूर। फ्राई होने का ये मतलब है फ्रेंड्स, इसके दाने ये छिलके उतर जाएंगे, आधे छिलके इसके उतर के फट जाएंगे फ्रेंड्स। तो इसी प्रकार से हमने सारे मसूर को फ्राई कर लिया है बिल्कुल लो टू मीडियम फ्लेम पे, और ये बहुत ही खस्तेदार बनता है फ्रेंड्स मसूर दाल मोठ। तो अब हम इसे एक बॉल में निकाल लेंगे फ्रेंड्स। इस रेसिपी को आप अपने घर पे ट्राई जरूर करें। बॉल में निकाल के इसे अच्छे से हम इसमें मसाले, कुछ मसाले ऐड करना है तो उसे हम ऐड कर लेते हैं। तो फ्राई की हुई मसूर को हमने एक बॉल में निकाल लिया फ्रेंड्स। अब इसमें मसाले ऐड करेंगे। मसाले में हमने आधी चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधी चम्मच जलजीरा पाउडर, आप इसके जगह आमचूर पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और तवे पे रोस्ट किए हुए हमने जीरा को पीस के आधी चम्मच लिया है, और चाट मसाला 1 चम्मच, और नमक आवश्यकता अनुसार डालेंगे इसमें टेस्ट के अनुसार। तो इन सारे मसालों को हम इसमें डालेंगे। तो हमने सारे मसाले को इसमें ऐड कर लिया है। अब हम इसे टॉस करके मिलाएंगे, अच्छे से टॉस करके मिला लेंगे फ्रेंड्स इसमें। आप इसमें लाल मिर्च पाउडर कम ज़्यादा कर सकते हैं, आपको जैसा पसंद हो। तो ये देखिए हम टॉस करके हमने अच्छे से इसे मिला लिया है फ्रेंड्स। आप इसमें कढ़ाई पत्ता भी ऐड कर सकते हैं। तो ये देखिए हमारा फाइनली मसूर दाल मोठ बन के तैयार है। तो आप भी इस रेसिपी को बनाएं और हमें कमेंट करके बताएं कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी, और ये सबसे कम समय में बनने वाली रेसिपी है फ्रेंड्स, 10 से 15 मिनट में ये बन के तैयार हो जाता है। तो कैसी लगी ये रेसिपी फ्रेंड्स हमें कमेंट करके ज़रूर बताना, और हमारे चैनल पर नए हो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फ्रेंड्स, अगर ये रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी के बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि इसी तरह की रेसिपी आपको आगे भी मिलती रहे। जय हिंद, जय भारत।